हरि मेरा सुमिरन करे, हरि मेरा सुमिरन करे, मैं पायो विश्राम। हरि मेरा सुमिरन करे, मैं पायो विश्राम। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात, सूर्य के हर एक किरण संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी, हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, पूरा अस्तित्व संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, हर एक सांस संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। प्रातःकाल का मंगल स्मरण मैं आपको करवा दूं। पृथ्वी को अवतरित हुए इतने युग बीत गए, युग बीत गए, फिर भी आज का जो सोमवार है, सोमवार का मंगल प्रभात है, वो आज तक ना अवतरित हुआ ना आगे होगा। परमात्मा को हो, परम अस्तित्व को हो, परम शक्ति को हो, तीनों शब्द मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगते हैं। अभी चौथा हाथ में आया नहीं, नहीं तो वो भी बोलता, जो नाम आप देना चाहो उसकी महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो हमारे सबके हाथों में, ताकि जीवन का परम स्वाद, परम स्वादिष्ट जीवन, अनेक रंगों से हरा भरा, जिस तरह से कृष्ण के सर में मोरपिच, विविध रंगों से अभिरंजित मोरपिच, ये जीवन का ही प्रतीक है। इतने रंगों से भरा भरा हमारा जीवन, उसका स्वाद लेने का एक अवसर और इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर, हमारे सबके हाथों में। ठीक से मुझे सुनना, जीवन की परम रहस्यमय यात्रा। चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप कौन हो? इस शरीर के जन्म से पहले आप कहां थे, क्या थे, क्या जानते हो? इस शरीर के मृत्यु के बाद आप कहां जाओगे, क्या होगे? ये सारे जवाब आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, आपको खोजने पड़ेंगे। कितनी अद्भुत रहस्यमय जीवन की यात्रा, हम सब कौन है, हम सब कहां से आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है हमारे कर्मों का, और ये सारे कर्म करते 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 हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन के महाप्रवाह में हम सब कहां जा रहे हैं। ऐसी रहस्यमय जीवन की यात्रा को समझने का एक अवसर और, हम चुने गए, देखो हम सब चुने गए आज के दिन के लिए। आज इस पृथ्वी पर अनेक ऐसे लोग हैं जो अगर अब चाहेंगे कि मुझे एक दिन और मिल जाए, बस एक दिन और मिल जाए जीवन जीने को, असंभव, जीवन की यात्रा समाप्त हो गई, शरीर की यात्रा समाप्त हो गई, अब एक क्षण भी नहीं मिल सकता। और हम सब चुने गए आज के दिन के लिए, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर, स्मरण रहे आज का ये सोमवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कितना ही हम रोए, चिल्लाए, चीखे, कल्पांत करें, लेकिन जो बीत गया बीत ही गया, और कोई जरूरत भी नहीं। इतना नया ताजा जीवन प्रतिपल हर सांस के साथ हमें प्राप्त होता है, नया ताजा जीवन। केवल ये कला सीखनी है, इस विद्या को जानना है, समझना है, किस तरह से हम प्रतिपल जीवन का स्वाद ले सके। प्रतिपल जो हम करने को जा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है, उसका उद्देश्य क्या है? चलो, दिव्य वाणी का उद्देश्य क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, आप क्यों मुझे सुन रहे हैं, मैं बताऊं, स्पष्ट कर दूं। वो कला, वो दिव्य कला हमें जाननी है, जिससे हम प्रतिपल जीवन का स्वाद ले सके,
प्रतिपल नया ताजा जीवन अगर हमें मिल ही रहा है भेंट प्रतिपल, ठीक से समझना मुझे, जैसे कि आज का सोमवार है, एक क्षण में नहीं मिल जाता हमें सोमवार, एक क्षण में नहीं मिल जाता, पूरा का पूरा सोमवार नहीं मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? हर एक सांस के साथ। एक सांस आती है, ठहरती है, एक उच्छ्वास बाहर जाती है, बाहर ठहरती है, फिर नया कुछ लेकर हमारे भीतर आती है, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ नया। जैसे आप जानते जाओगे सांस को, तब आपको पता चलेगा कि क्या हमें प्रतिपल प्राप्त होने की संभावना है और हम कहाँ खो रहे हैं, जीवन को कहाँ खो रहे हैं। ये कला है जो धर्म है, मार्गदर्शन है जीवन को कैसे जीना। चलो, आपकी कल्पना क्या है, सर्वश्रेष्ठ जीवन किस तरह से जिया जा सकता है? सबको अपना जीवन जीना ही है, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका क्या है? मैं तो प्रकट कर ही रहा हूं, आपको समझ दे ही रहा हूं, लेकिन आपकी भी सोच है, आपने भी जीवन की यात्रा की है, किस तरह से कल से आज का दिन ऊपर हो। जो अभी तक हमने जीवन को जिया है, इससे आज का दिन कैसे ऊपर हो, प्रत्येक दिन हमें ये देखना है किस तरह से हम जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। हमारे ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स। एक फोर्स है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती माता की ओर हमारी शक्ति खींचती है, प्राकृतिक। और एक है ऊर्ध्वगामी फोर्स, ऊपर की ओर ले जाता है हमें, ऊपर की ओर। भगवद गीता का 10वां अध्याय प्रकट करने को जा रहा हूं आपके समक्ष, इससे पहले ये पूर्व भूमिका है ताकि आप ठीक से समझ सको। उस अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग, जो मैंने होमवर्क भी दिया था, और कोई टेंशन नहीं, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है इस पृथ्वी की, प्रथम यूनिवर्सिटी, कोई टेंशन नहीं विद्यार्थी के ऊपर, कोई बोझ नहीं। लेकिन होमवर्क सुन लो कि अभी मैंने विभूति योग प्रकट नहीं किया, अभी मैं समझाने को जा रहा हूं। आपके भीतर विभूति योग के लिए क्या कल्पना है, क्या आपकी धारणा है, क्या विचार है, क्या समझ है, क्या ज्ञान है? आज के दिन का नाम है सोमवार। सोम का अर्थ होता है शांति। विभूति योग और सोमवार, दोनों के बीच संबंध। सोम का अर्थ है सौम्यता, शांति, जो हम हर दिव्यवाणी के बाद शांति मंत्र प्रकट करते हैं। हमें ये देखना है, ये देखना है, जब भी आप आंख बंद करो, जब भी एक क्षण, एक क्षण मिल जाए काफी है, एक क्षण के लिए भी भीतर देखना है शांति कितनी, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, शरीर के तल पर कितनी शांति, मूड के तल पर किस किस कितनी शांति हमने प्राप्त की आज तक। और जैसे आप ध्यान देना शुरू करोगे, कोई शांति की कमी नहीं, कोई शांति की कमी नहीं। शांति का उद्गम आप स्वयं, महाशांति का उद्गम आप स्वयं। जो शांति है शब्द नहीं, शांति कोई शब्द नहीं, शांति संगीत का नाम है, संगीत का। जिस तरह से उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत, कर्नाटकी संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, इसी तरह से आत्मा का संगीत, भीतर के संगीत का नाम है शांति। आज का दिन ठीक से देखना है, अशांति है तो घबराना नहीं है, अशांति को पूरा जानना है, पूरा जानना है कि अशांति क्या है मेरे जीवन में, और अशांति अगर है तो क्यों है, अशांति होने का कारण क्या है। आज का दिन शांति के साथ जीने का दिन, ये संदेश, ऋषियों का संदेश। देखो किस तरह से काम लिया गया है, अठवा जो वीक है, वीक जिसे गुजराती में अठवाड़िया कहते हैं, इसके दिनों के नाम से, दिनों के नाम से आपके जीवन को ऊपर उठाने का ऋषियों का दृष्टिकोण मेरे हाथ में आ गया, मैंने आपको बांट दिया किस तरह से है, हम क्यों ना उपयोग करें। आज तक जो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर, हाँ केवल इस पृथ्वी पर, जिन लोगों ने
ज्ञान की पवित्रता को प्राप्त किया, पूर्ण प्राप्त कर लिया, अब शरीर में न रहे, चले गए, लेकिन उसने बहुत कुछ किया। अनेक अनेक विभूतियों ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने के लिए अगाध परिश्रम किया। जैसे जैसे आप जानते जाओगे, कैसा रहस्य कि आपको कहीं खोजने नहीं निकलना है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। आप अपने स्थान पर आप अपने को जानते जाओ, आप सब कुछ जानते जाओगे, सब कुछ जानते जाओ। जितना आप आपके बारे में जानते हो, उतना आप सृष्टि के बारे में जानते हो, और उतना रहस्य आप जानते जाते हो। विदाउट रीडिंग बुक, बुक पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाते हो, जानते जाते हो, और ये प्रक्रिया अपने आप होती है, अपने आप होती है। कुछ प्रयत्न, जैसे हम भोजन लेते हैं, प्रयत्न है, भोजन हम अंदर डाल देते हैं हमारे शरीर में, ये प्रयत्न है, हमें करना पड़ता है, लेकिन बाकी हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी सब कुछ शरीर संभालता है, सब कुछ। देखो कैसी व्यवस्था, हर मनुष्य के शरीर के साथ, हर प्राणी के शरीर के साथ, हर वृक्ष के शरीर के साथ। ये तो मनुष्य की बात है, चलो कि हम भोजन कर रहे हैं, ये हमारा प्रयत्न हुआ, लेकिन इसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे। ये संचालन किस तरह से होता है, स्वयंभू। देखो शब्दों की सीमा, आगे कुछ तुम बता नहीं सकते कि ये कहां से होता है ये संचालन, तो हमने नाम दिया स्वयंभू हो रहा है, अपने आप। अपने मैं भोजन कर रहा हूं, मैं मेरी हड्डी मांस मज्जा मैं थोड़ा बना रहा हूं, मैं थोड़ा मेरा ब्लड बना रहा हूं कि इतनी शक्ति हार्ट को जरूरत है, हार्ट पर जानी चाहिए, इतनी शक्ति पैर को जरूरत है, पैर को जानी चाहिए, इतनी शक्ति मस्तिष्क को जरूरत है, मस्तिष्क में जानी चाहिए। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम मात्र भोजन ले रहे, बाकी सब कुछ अपने आप होता है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं विभूति योग। कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, ये प्रकरण का नाम दिया गया है विभूति योग। इच्छा किस तरह से होती है और इसका क्या असर आता है, इच्छा की तरंग किस तरह से काम करती है, मैं मेरा एक अनुभव को, मैं 4 महीना कमरे में बंद रहा, बहुत कम बहिर जगत से संपर्क, भीतर के जगत का रस ही इतना ही स्वादिष्ट, जैसे हम बाहर के जगत में खो जाते हैं, याद ही नहीं आती अंतर जगत की, इसी तरह से अंतर जगत ही इतना आकर्षित करता है कि बाहर जगत की याद ही नहीं आती। 4 महीना कम से कम संपर्क बाहर जगत का, जितना हो सके कम, जरूरी है उतना ही, फिर अंतर जगत। 4 महीने के बाद मुझे एक ऐसा हुआ, चलो आज घूम के आते हैं बाहर, मैं घूमने निकला बाहर। अब एक जगह पर आता हूं, मुझे आज भी याद है वो एरिया, नवरंगपुरा अहमदाबाद का एरिया, और उसके जो कुछ सोसाइटी थी उसमें से मैं निकल रहा था, बंगले थे। अब कैसा होता है, अचानक मुझे खमण खाने की इच्छा हुई, अचानक। मैं तो चलता ही जा रहा हूं लेकिन प्रगाढ़ इच्छा, और मैं मेरे अंतर जगत से परिचित हूं, ये तो मुझे कभी हुआ ही नहीं, किसी लारी पर खाने की या होटल में खाने की। प्रयत्न पूर्वक मैंने ये, मैं गया होऊंगा होटल में कुछ जानने के लिए, प्रयोग करने के लिए, लेकिन ये मेरी इच्छा कभी नहीं हुई अंदर से कि चलो मैं होटल में चला जाऊं, मैं लारी पर खाऊं, कभी नहीं। मुझे खमण खाने की इच्छा हुई एकदम प्रगाढ़, मैं वहीं रुक गया कि यहां पर कुछ है। फिर मैंने बराबर स्मरण किया कि ये इच्छा कहां से प्रकट हुई, मुझे पता था कि इस स्थान से मुझे ये खमण खाने की इच्छा प्रकट हुई। मैं फिर से वही स्थान पर चला गया जहां से मुझे खमण खाने की इच्छा प्रकट हुई थी। मैं खड़ा रहा, मेरे पीछे एक बंगला था जहां पर मैं खड़ा था, मैं वहां खड़ा ही रहा
और उस इच्छा को देखता रहा देखता रहा, मुझे पता चल गया देखो किस तरह से होती है जो मैं कहता हूं आपको कि ये सारा अवकाश अनेक तरंगों से भरा हुआ, अनेक तरंगों से रहस्यमय अवकाश, रहस्यमय। इसमें अनेक शारीरिक तरंगे, भाव की तरंगे, आत्मिक तरंगे, कुछ हमें गिराने वाली तरंगे, कुछ हमें उठाने वाली तरंगे। मैं उधर ही खड़ा रहा, मुझे स्पष्ट पता चला गया, स्पष्ट पता चल गया कि इस बंगले में कोई है जिसकी खमण खाने की इच्छा है, और वो भी पथारीवश है, और प्रगाढ़ इच्छा, इसकी प्रगाढ़ इच्छा। इस इच्छा ने मेरे शरीर को पकड़ लिया, मैं वहां ही खड़ा रहा, वहां ही खड़ा रहा, और पूरा मुझे पता चल गया पूरा कि अंदर कोई ऐसा है जो उठ नहीं सकता बिस्तर से, लेकिन उसके भीतर की जो इच्छा है वो खमण खाने की इच्छा है। वो इच्छा ने मेरे शरीर को पकड़ा कि खमण खाना है, क्योंकि प्रगाढ़ इच्छा है, प्रगाढ़ इच्छा इसकी, तो मेरे शरीर ने पकड़ लिया। इस तरह से, ये तो एक उदाहरण है, इस तरह से इच्छाएं, हमारी इच्छा औरों के प्रभावित करती है, औरों की इच्छा हमको प्रभावित करती है। प्रतिक्षण प्रतिक्षण किस लिए? स्वयं को जानना जरूरी है, जो मैं कहता हूं। कुछ क्षण के लिए शांत बैठक, कुछ क्षण के लिए सुबह में भी आप कर्म में उतरो। देखो अभी तो आप मेरी दिव्यवाणी सुन रहे हो और शांत बैठे हो, यही काम चल जाएगा। अब आपको और बैठने की जरूरत नहीं, यही काम चल जाएगा, क्योंकि दिव्यवाणी का उद्देश्य है आपको अपने केंद्र में लाना, आपकी शक्ति को अंतर्गामी कर देना। प्रभात हो रहा है, हमारी शक्ति बहिर्गामी होती है, बाहर की ओर जाती है, बाहर की दिशा में बहती है। और आज के कर्म आप करो उससे पहले कुछ जान लो, कुछ समझ लो। अद्भुत रहस्यमय जीवन की यात्रा है, और उसे जानने का जो अवसर है वो है आज का दिन। आज का दिन हाथ में से जाना नहीं चाहिए। मनुष्य चूक क्या रहा है आप देखना, जिसका अंतिम समय हो और आपको अवसर मिले, आप खोना नहीं, उसके पास ही बैठे रहना, बैठे रहना। अंतिम समय मनुष्य हताश है, हताश, निराश, फरियाद से भरा। क्यों? क्योंकि भविष्य की चिंता में, भविष्य में कुछ मिलेगा, भविष्य में कुछ मिलेगा, भविष्य में, आपने वर्तमान खो दिया। जो अवसर है आज का दिन है, हमारे हाथ में है क्या आज का दिन? जो मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि कल कभी आता ही नहीं, कल तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी धारणा है कि भविष्य में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। लेकिन जब जीवन हाथ में आता है, आज ही आता है। देखो प्रतिपल सांस आती है नई ताजी, प्रतिपल पुरानी उच्छ्वास बाहर जाती है। जब आप शांत बैठते हो तब आपको पता चलता है कि अभी मेरे भीतर क्या इच्छा है, क्या इच्छा, मेरी अपनी इच्छा क्या है। जो भी है, रुपया कमाना भी कोई गलत नहीं है, खरबोपति होने की दौड़ है वो भी कोई गलत नहीं है, प्रधानमंत्री होना है, बड़ा प्रधान होना है, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि ये सच में आपकी इच्छा है, सच में। जैसे जैसे आप बैठोगे, जब भी समय मिले, जब भी समय, एक मिनट क्यों ना मिले, मैंने सब कुछ किया हुआ है, एक मिनट मिले उसका भी उपयोग कि चलो मैं देख तो लूं मेरा अंतर जगत है क्या, भीतर क्या चल रहा है, किस तरह से विचार उठ रहे हैं, किस तरह का भाव जग रहा है। एक क्षण के लिए तो देख लूं क्या स्थिति है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, पूरा जो शरीर है इसमें क्या हो रहा है। अब जो इच्छा से ऊपर उठ जाता है, जिसकी कोई इच्छा ही न रही, इच्छा न रही, कृष्ण स्वयं खड़े हैं अर्जुन के आगे, और उसका नाम दिया गया है विभूति योग। योग का अर्थ है जोड़ना, विभूति के साथ जुड़ना। ऐसा क्यों? कृष्ण तो स्वयं ही विभूति है,
उसे कोई इच्छा न रही अब इस जगत से कुछ भी प्राप्त करने की, कोई इच्छा न रही। उसने पूरा जान लिया, पूरा जो जाना जा सकता है उससे आगे नहीं है। पूरा मन विलीन, पूरा मन का रूपांतरण हो गया दर्शन की शक्ति में। उसका शरीर के साथ भी कोई लगाव नहीं, जैसे शरीर है ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया, मेरा कोई लगाव नहीं। जैसा शरीर है जिस तरह से चल रहा है, विभूति कृष्ण विभूति। नमे मृत्यु शंका, नमे जाति भेद, अवकाश को मृत्यु का क्या डर, ठीक से समझना। अवकाश का अर्थ है स्पेस, अंतर्गामी अवकाश। मैं नाम देता हूं आत्मा, पुराना नाम है शास्त्रों का नाम। आप ठीक से समझ सको, जान सको अपनी आत्मा, इसलिए मैं कहता हूं अवकाश। जब अवकाश प्रकट हो जाता है भीतर का, आत्मा प्राप्त हो जाती है और मृत्यु का कोई डर नहीं। ना मैं मृत्यु शंका, ना मैं जाति भेद, अब कोई भेद न रहा। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये सारे भेद मन के, रूपांतरण हो गया मन का। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैर्व मैं, न माता न जन्म, पिता भी नहीं माता भी नहीं और जन्म नहीं, उसकी मृत्यु भी नहीं। आत्मा, आत्मा की कोई जन्म नहीं। हमारे लिए हमारी आत्मा नई है, आत्मा के लिए हम नहीं, हम अपनी आत्मा से प्रकट है। और इतनी करीब आत्मा कि हम उसे जान नहीं सकते। जिस तरह से हमारा चेहरा, हमारा अपना चेहरा, आंख सब कुछ देख सकती है, पूरा विश्व, लेकिन अपने को देखने के लिए, हमारा चेहरा देखने के लिए हमें आईना उठाना पड़ता है। चलो देखो रहस्य, कैसा रहस्य, हमारा अपना चेहरा, दो आंखें, हम सब कुछ देख सकते हैं। मैं आपका चेहरा देख सकता हूं, आप मेरा चेहरा देख सकते हो, लेकिन आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसके लिए आईना चाहिए। देखो रहस्य, क्योंकि इतना करीब हो गया, इतना करीब आत्मा, इतना करीब हो गई, उससे हमारा प्रागट्य। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैर्व मैं, नैर्व माता न जन्म, पिता भी नहीं माता भी नहीं जिससे हमारा जन्म होता है, और जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं विभूति योग। कृष्ण स्वयं खड़े हैं अर्जुन के सामने, प्रत्यक्ष शरीर में है, कृष्ण शरीर में है, अर्जुन शरीर में है। फिर जोड़ने की बात क्या है, योग, योग का अर्थ है जोड़ना। ऐसा क्यों कहा गया, जब वो खड़े ही है, आप देखना साक्षात जिसे हम कहें परमात्मा, विभूति, विभूति, विभूति का अर्थ है परमात्मा, जिसकी अब कोई इच्छा ही न रही, कुछ प्राप्त करने की इच्छा न रही। कृष्ण को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे अब कुछ प्राप्त नहीं करना। फिर भी देखो कृष्ण खड़े हुए हैं, और नाम दिया गया विभूति योग, जो मैं आपको कहता हूं। आप मुझे उतना ही जान सकते हो, समझ सकते हो, रहस्य देखना, जितना आप अपने को जान सकते हो, समझ सकते हो। मैं आपको उतना ही जान सकता हूं, समझ सकता हूं, जितना मैं अपने को जान सकता हूं, समझ सकता हूं। अर्जुन कृष्ण को उतना ही जान सकते हैं, उतना ही जान सकता है, जितना वो अपने को जान सकता है। अभी अर्जुन कंफ्यूजन में, मन का क्षेत्र उठता है, इससे ऊपर भी उठता है। अर्जुन के प्रश्न भी होते हैं कृष्ण को, रस भी आ रहा है, रस भी आ रहा है, आत्मिक स्थिति समझने का रस है। मैं आपको कहूं इस जगत का जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, अध्यात्म का विज्ञान, इंटरेस्टिंग मोस्ट, आप समझते जाओ, इसके आगे जगत का एक भी सब्जेक्ट इतना रसपूर्ण नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आप स्वयं अपने को समझते हो, स्वयं सारे रस आपके भीतर, सारे के सारे रस जो आप बाहर खोज रहे हो, बाहर भोजन में खोज रहे हो, काम वासना में खोज रहे हो, चीज वस्तुओं में खोज रहे हो, ये आपके भीतर, इसका सोर्स आप स्वयं, और उसका विज्ञान।
तो वो सबसे इंटरेस्टिंग ही होगा, इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, सुनते जाओगे, जानते जाओगे, आपको पता चलेगा कि जगत में एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि जो इसके तुलना में आ सके, तुलना में भी नहीं आ सकता। जो अध्यात्म का विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, एक बार आपने जानना समझना शुरू किया, आपने कर दिया, देखते जाओ, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं जो इतना इंटरेस्टिंग हो। अर्जुन उठता है आत्मिक स्थिति समझने के लिए, उसके भीतर से उत्कंठा जगती है कि मैं भी ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर लूं, जिससे कृष्ण उसे समझाते जाते हैं आत्मिक स्थिति के बारे में। उसे भी अंदर से होता है कि मैं कैसे प्राप्त करूं ऐसी स्थिति। कृष्ण साक्षात खड़े हैं, फिर भी कृष्ण को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अभी अपने को नहीं जाना, उसने अपनी आत्मिक स्थिति को नहीं जाना, तो वो कृष्ण को ठीक से नहीं जान सकता कि कृष्ण का विस्तार कितना, क्या शरीर कृष्ण है, क्या कृष्ण शरीर है, केवल शरीर है। ना कृष्ण शरीर है, ना मन है, ना भाव है, ना प्रेम है कृष्ण, सबसे ऊपर आत्मा भी नहीं। कृष्ण के लिए आत्मा शब्द भी नहीं दिया जा सकता, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर। शब्द जो मैं कहता हूं इसकी सीमा है, इतने असीम, इतने असीम। ना मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, पिता नैर्व मैं नैर्व माता न जन्म, बंधुर न मित्रम, बंधु भी नहीं, मित्र भी नहीं। स्थिति का नाम मैं आपको समझा रहा हूं, विभूति स्थिति, जो मन से समझी जा सकती है, मन से समझी जा। बंधुर न मित्रम, गुरु नैर्व शिष्य, गुरु भी नहीं, गुरु भी नहीं। चलो कैसी स्थिति, गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं। चित्त चिदानंद रूप, चिदानंद रूप अर्थात अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे जैसे आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है, उसकी कोई सीमा नहीं, असीम, तो मन से जान ही नहीं सकते आनंद का विस्तार, अनंत, जिस तरह से बहिर्गामी विस्तार, कोई अंत नहीं। उतना ही नहीं, चलो विज्ञान कितना, विज्ञान आज तक कितना ढूंढ पाया, चलो कितना ढूंढ पाया, कहां तक समझ सका विज्ञान। चलो मैं ऐसा कहूं कि ये सूर्य महासूर्य से प्रकट है, विज्ञान नहीं मानेगा, और जरूरी भी है, जरूरी भी, क्योंकि विज्ञान बहिर्गामी है, बहिर्गामी। इसके लिए मन का तर्क चाहिए, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये महासूर्य से प्रकट है। हमारी पृथ्वी सूर्य से प्रकट है, चंद्र पृथ्वी से प्रकट है, और ऐसी एक पृथ्वी नहीं, ऐसे एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य, ये मानना नहीं, ये मानना, सुन लो, जान लो, आज नहीं कल आप भी जान सकते हो कि एक पृथ्वी नहीं। इस तरह की पृथ्वियां बन रही है आज कि जहां पर अभी मनुष्य प्रकट नहीं हुआ। कुछ पृथ्वी है जो नष्ट होने को है, कि अगर उसके जीव है अब उस पृथ्वी पर, उसे वहां से ट्रांसफर करनी होगी, अपनी ट्रांसफर, उसे दूसरी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा अगर जन्म लेना है तो। कई ऐसी पृथ्वियां है जिस पर मनुष्य का जीवन समाप्त होने को आया, अब मनुष्य का जीवन वहां पर संभव नहीं, नष्ट होने को है पृथ्वी। इसी तरह से जैसे उद्गम होता है पृथ्वी का, पहले सूक्ष्म जीव आते हैं, वनस्पति आती है, कीड़े आते हैं, बड़े वृक्ष आते हैं, पंछी आते हैं, प्राणी आते हैं, फिर मनुष्य प्रकट होता है। और मनुष्य में भी बहुत प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, कि अभी उसे कुछ पता नहीं क्या पहनना क्या खाना, जिस तरह से प्राणी होता है जंगल में, उसी तरह से मनुष्य, मन का विकास होते 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 वो मोबाइल भी खोज लेता है, कंप्यूटर भी खोज लेता है, रॉकेट बनाता है, लेकिन सब कुछ प्रकृतिगत, सब कुछ प्रकृतिगत। अब इससे उल्टा, जब पृथ्वी की ऐसी अवस्था आती है जब मनुष्य रहना संभव नहीं, फिर मनुष्य पहले चला जाता है। उल्टा जिस तरह से पृथ्वी प्रकट हुई, उससे उल्टा जब पृथ्वी समाप्त होने को आती है, पहले मनुष्य समाप्त हो जाता है, फिर इससे नीचे का ग्राफ, फिर प्राणी, फिर पंछी, फिर वृक्ष,
इस तरह से फिर आखिर में सूक्ष्म जीव सब ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मानना नहीं, सुन लो, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। विभूति योग, कृष्ण का रूप उतना नहीं, कृष्ण शरीर नहीं। अगर कोई भी जिसने ज्ञान प्राप्त किया, समझ को प्राप्त किया, ये शरीर तक सीमित नहीं, अनंत। चलो मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि ऐसा व्यक्ति, अब तो वो व्यक्ति कहा ही नहीं जा सकता जिसने ज्ञान को समझ लिया, पा लिया, अपनी आत्मा जान ली, समझ ली, और इस पृथ्वी पर अनेक विभूतियां प्रकट हुई, अनेक विभूतियां। देखो ये वर्णन जो मैंने किया, ना मैं मृत्यु संख्या, ना मैं जाति भेद, ये कृष्ण ने नहीं बोला, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। उसने अपने को जाना। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म, मैं स्वयं सत्य। जान लिया हुआ, उसने जान लिया अपनी आत्मा को। अगर मैंने जान लिया तो मैं भी कह सकता हूं अहम ब्रह्मास्मि, तुमने जान लिया तुम भी कह सकते हो, लेकिन ठीक से जाना है तो। वो कहते हैं ये पूरा का पूरा वर्णन विभूति अवस्था का वर्णन, पूरा का पूरा वर्णन विभूति अवस्था। अहम निर्विकल्पो, अहम निर्विकल्पो, समझना, अब उसकी कोई चॉइस नहीं रही। विकल्प का अर्थ है चॉइस। अहम निर्विकल्पो, जिस तरह से अवकाश, देखो ये अवकाश है, हम सबको संभाले हुए, इसमें पृथ्वी भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, तारे भी है, और पृथ्वी के ऊपर का अवकाश, पृथ्वी के ऊपर चोर भी है, लुटारे भी है, साधु भी है, संत भी है, पुलिस भी है, गुनेगार भी है, सब पृथ्वी के सब संतान। अवकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो भी मुझे संभाल लेगा, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो भी संभाल लेगा, प्राणियों को भी संभाल लेगा, पंछी को भी संभाल लेगा, कोरोना वायरस को भी उतना ही संभालेगा जितना मुझे संभाल रहा है। अहम निर्विकल्पो, विभूति का वर्णन, विभूति अवस्था का वर्णन। अहम निर्विकल्पो, निराकार रूपो, अब उसका कोई रूप नहीं, जो हम देख रहे हैं आंखों से वो विभूति नहीं है। अहम निर्विकल्पो, निराकार रूपो, विभूर व्याप्य सर्वत्र, वो सब जगह फैला हुआ, विभूर व्याप्य सर्वत्र, सर्वेन्द्रियाणा, सर्व इंद्रियों की शक्ति उसके हाथ में, अब इंद्रियां उसे खींच नहीं सकती, विभूति का वर्ण। अब कान की शक्ति भीतर की शक्ति को खींच नहीं सकती, आंख की शक्ति भीतर की शक्ति को खींच नहीं सकती। तुम्हारे हाथ में आ गया तुम्हारा साम्राज्य पूरा, तुम्हारा अंतर जगत, तुम विराजमान हो गए तुम्हारे सिंहासन पर। अहम निर्विकल्पो, निराकार रूपो, विभुर व्याप्य सर्वत्र, सर्वेन्द्रियाणा, सर्व इंद्रियों में। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, ज्ञान का प्रकाश अर्थात, ज्ञान अर्थात स्वयं मित्र, स्वयं मित्र, अब इच्छा समाप्त, अब इच्छा समाप्त। जैसे जैसे देखो कैसा रहस्य होगा, आप अपने को जानते जाओ, इसके साथ परिणाम क्या आता है मैं कहता हूं। जैसे जैसे आप अपने को जानते जाते हो, आप खींचते हो प्रकृति की ओर। चलो इसका एक परिणाम, प्रकृति की ओर खींचने किस लिए, आप तो अपने को जान रहे हो। चंद्र की रात आपको खींचेगी, उगता हुआ सूर्य आपको खींचेगा, ढलती हुई शाम आपको खींचेगी, तारों भरी रात आपको खींचेगी, बहती हुई नदियां आपको खींचेगी, समुन्द्र उछलता हुआ समुन्द्र खींचेगा, पंछियों के गीत आपको खींचेंगे, आपके कान तरसेंगे कि मैंने कोयल की आवाज सुनी नहीं कितने दिनों से, खींचेंगे। जो मैंने जाना, मैं कहता हूं देखो जानना है स्वयं को, आप खींचते जा रहे हो प्रकृति की ओर, खींचते जा रहे हो। कृष्ण के लिए शब्द दिया गया वन विहारी, वन में ही घूमते रहे, वन में ही घूमते रहे कृष्ण। प्रकृति खींचती है जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हो, और जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हो, सारे के सारे इस सृष्टि के रहस्य आपके सामने खुलते जाते हैं, आपकी आंखों के समक्ष खुलते जाते हैं। जो इस अवस्था में शरीर छोड़ देता है, उसकी गति क्या होती है, वो कहां चला जाता है। एक व्यक्ति है जो अपेक्षा में है, अभी उसकी अपेक्षा है, काम वासना के लिए साथी का ढूंढना अपेक्षा है,
भोजन में रस अपेक्षा है, बड़ा प्रधान होना है, प्रधानमंत्री होना है, खरबोपति होना है, सुंदर गाड़ी लेनी है, समाज में मेरा नाम करना, अनेक इच्छा अनेक इच्छा। ऐसी व्यक्ति समाप्त होती है, और जिसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ, जिसको अब कुछ भी जानने की जरूरत न रही इस पृथ्वी पर, और ऐसे अनेक विभूतियां, इसका शरीर छूट गया, वो कहां जाता है? अब मैं आपको एक बात बताऊं इसके साथ साथ, जब आप आंख बंद करते हो क्या होता है? चलो मैं कहता हूं आप अंतर जगत में प्रविष्ट हो। आपका अंतर जगत क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, ठीक से समझना इसे जो मैं आपको कहता हूं। किसी की आंख है, किसी की आंख हमारे सबके भीतर, जो देखती है कि अभी मेरे भीतर विचार प्रकट हो रहे हैं, अभी विचार कम चल रहे हैं, अभी ज्यादा चल रहे हैं, इस तरह का मूड प्रकट हो रहा है, मेरे भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है, ईर्ष्या प्रकट हो रही है, प्रेम प्रकट हो रहा है, मित्रता प्रकट हो रही है, शत्रुता प्रकट हो रही है, क्या हो रहा है? चल ये प्रक्रिया क्या है? किसी की आंख है, ठीक से देखना, हमारे सबके भीतर देखती हुई आंख है। और कैसा रहस्य, जो तुम्हारे में देख रहा है वही मेरे में देख रहा है। जैसे जैसे तुम अपने को समझते जाते हो, तुम मुझे समझते जाओगे, मैं मुझे समझ रहा हूं, मैं तुम्हें समझता जाऊंगा, क्योंकि भीतर देखने वाली आंख एक ही है, तुम्हारी आंख हो या मेरे भीतर देखने वाली आंख हो, वो एक ही है, एक ही है। ये शक्ति है, ये देखने की शक्ति आती कहां से है? ये जो देख रहा है कोई हमारे भीतर, ये किसकी आंख है? जितना मन से हम समझ सके, मन से, ये विभूति की शक्ति है। जैसे जैसे तुम अपने पर काम करना शुरू करते हो, स्मरण करना, कब से तुम्हें इच्छा हुई, कब से इच्छा हुई कि मैं ध्यान जानूं, मैं शांत बैठूं, मैं अपने को जानूं, मैं मुक्ति जानूं, मैं मोक्ष जानूं, ऐसी इच्छा तुम्हें कब से प्रकट हुई? और जब तुम अपनी ओर खींचते हो, अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर खींचते हो, अपने को समझने की कोशिश शुरू होती है, उसके साथ तुम्हारा संपर्क अपने आप होता है विभूति की शक्ति के साथ। वो चाहे शरीर में हो, शरीर में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण आज भी है, शिव आज भी है, लेकिन रूप बदल गया, अब वो शरीर नहीं, लेकिन अब वो शक्ति जागृति में रूपांतरित हो गई, जागृति में, जो जागृति की पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति इस पृथ्वी पर सर्व मनुष्य के भीतर, किसी में कम किसी में ज्यादा है ही है, हर प्राणी में है, हर वनस्पति में है, वो विकसित हो रही, वो विकसित रहस्य है। इस पृथ्वी पर जीवन का संचालन जो है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर, आकाश की ओर, मस्तिष्क की ओर ये संचालन, हमारा पूरा मस्तिष्क जिसे पतंजलि ऋषि ने नाम दिया सहस्त्रार चक्र। क्या अर्थ होता है सहस्त्रार का? उसने अपने भीतर दर्शन किया अनेक दीपों वाला प्रदेश, अनेक दीप, अनगिनित कि वो गिने भी नहीं जान सकते, इतने दीप, ऐसा प्रकाश कि सीधा जो तुम्हें प्राप्त हो तुम पागल हो जाओ, सीधा ये प्रकाश तुम्हारे कांटेक्ट में आए। देखो किस तरह की रीत है कि अपने आप, ये सारी रीत अपने आप, कि तुम अपने को जानना शुरू करते हो तो सीधा प्रकाश नहीं आता कि तुम्हें मिल गया प्रकाश, अगर वो प्रकाश तुम्हें प्राप्त हो तुम पागल हो जाओ, तुम दर्शन नहीं डाइजेस्ट कर सकते, उसका पाचन नहीं होता। अंतर जगत का जो दर्शन है वो सीधा तुम पाचन नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, ऐसा दर्शन भीतर के जगत का, ऐसा दर्शन कि तुम झेल नहीं सकते। तो तुम यात्रा तो देखो, स्वयंभू, ये स्वयंभू स्वयं कंट्रोल से चलती है ये यात्रा, भीतर को जानने की जो यात्रा है उस पर भी कंट्रोल है कि कैसे कैसे धीरे धीरे तुम अपने को जानते जाते हो, तैयार होते जाते हो, फिर तुम उस प्रकाश के संपर्क में आते हो, वो प्रकाश प्राप्त करते हो,
तब तक तैयारी है, तब तक तैयारी है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर बहिर्जगत के अनुभव में तुम कच्चे रह गए, तुम डर गए, तुम हताशा से डर गए, निराशा से डर गए, विषाद से डर गए, कमजोर हो गए, तुम दुख से भागने लगे, जिम्मेवारी से भागने लगे, डर, भय, चिंता, तुम भीतर भी जान नहीं सकते, क्योंकि एक समय के बाद भीतर भी डर होगा कि जब ऐसी अवस्था आएगी तुम प्राप्त नहीं कर सकते ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुमने विषाद को ठीक से नहीं झेला, अगर तुमने विषाद को ठीक से पार नहीं किया, जीवन के दुख पीड़ा संताप से तुम भागकर नशे में चले गए, आज तक इस पृथ्वी पर नहीं घटा कि कोई अपने को भुलाकर, दुख से भागकर, पीड़ा से भागकर, चिंता से भागकर परम ज्ञान को प्राप्त किया हो, आज तक इस पृथ्वी पर संभव नहीं और ना कभी होगा। मैं आपको कह दूं परम सत्य, चलो दुख से भागकर तुम परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन के प्रश्नों से भागकर तुम परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हें पार करना होगा, जीवन का दुख पार करना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, तुम एक दुख को ठीक से पार करो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, भूतर का विश्वास प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम्हारा संबंध है विभूति के साथ, सबका संबंध है, सबका संबंध है। जैसे जैसे तुम अपने को जानते जाते हो, तुम्हारा संबंध अपने आप प्रस्थापित होता है विभूति के साथ। विभूति का अर्थ है परम प्रकाशित अवस्था, परम प्रकाशित अवस्था। उसको शरीर के साथ लेना देना नहीं, शरीर हो तो भी वो काम करती है अवस्था, उसकी शक्ति, शरीर ना हो तो भी वो काम करती है। चलो ज्ञान की शक्ति है, मैं आपको प्रश्न पूछू, ज्ञान जिसे तुम कहते हो, मैं कहता हूं दो विचार के बीच की प्रकाशित जगह, जगह अगर आध्यात्मिक विज्ञान में इसे हम डिफाइन करें, इसे व्याख्या दे, तो व्याख्या है आपकी समझ के लिए, विचार है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का अर्थ है जगह, प्रकाशित जगह से प्रकट होता है ज्ञान। चलो ज्ञान की शक्ति आती कहां से, मैं तुम्हें बताता हूं विभूति अवस्था से, जिसने ज्ञान को प्रकट कर लिया, ज्ञान को जान लिया, अपने भीतर का ज्ञान जिसने पूरा प्राप्त कर लिया, पूरा, अब विचार की जरा भी जरूरत न रही, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समझ, जिसके भीतर अवतरित हो गई, वो हो गया, उसने प्राप्त कर ली विभूति अवस्था। भूत का अर्थ इतना ही होता है, भूत का अर्थ समझना, पुराने शास्त्रों में आप पढ़ोगे, पुराने श्लोक, जीव के लिए भूत शब्द दिया गया, इतना ही अर्थ, इच्छा के पीछे दौड़ना, और हमारा जीवन प्रगति इच्छा से होता है, ये प्राकृतिकगत है, ऐसा नहीं कि ये कुछ गलत है, कोई भी इच्छा है वो गलत है ऐसा नहीं, लेकिन इच्छा पहुंचाती कहीं कहीं भी नहीं, पहुंचाती कहीं भी नहीं। जो हमारे भीतर है कि इच्छा से मैं कुछ तृप्त कर लूं, मेरे भीतर आप देखते जो, आपने इतना भोजन लिया, आपकी उम्र देखो कि कितनी बार आपने भोजन लिया होगा, आज तक कितनी बार भोजन लिया होगा, आप कितने तृप्त हुए भोजन से, चलो मैं आपको पूछता, आप जितनी इच्छाओं के पीछे दौड़े कितने तृप्त हुए। लेकिन इससे आपकी समझ का विकास होता है, समझ का विकास, नहीं तो आप बैठते ही नहीं, दिव्यवाणी सुनने के लिए जो आप बैठे हो वो ही बताता है आप इच्छा के पीछे दौड़े लेकिन संतोष प्राप्त नहीं हुआ, वो प्रक्रिया करते 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 आखिर तुम अपना केंद्र समझने की प्रक्रिया में आ गए, अपने आप, तुम्हें पता भी नहीं कब से आ गए हम, लेकिन ये यही प्रक्रिया है कि तुमने इतना भोजन किया फिर भी देखना संतुष्टि नहीं आई, संतुष्टि, ये विकास है, विकास कि संतुष्टि नहीं आई, तुम खोजते गए रस को, खोजते गए भोजन में, काम वासना में, चीज वस्तुओं में, बहिर्जगत में, आखिर में तुम आ गए अपने केंद्र पर, केंद्र को जानने में, अब तुम्हारी रस रुचि आने लगी, कहां से आने लगी, विभूति की शक्ति। विभूति का अर्थ है जो इच्छा से ऊपर उठ गया, जो प्रकाशित अवस्था प्राप्त कर ली जिसने, भूत का अर्थ है, भूत का इतना ही अर्थ है इच्छा के पीछे दौड़ना, इच्छा और ऐसी इच्छा के पता भी नहीं, हम जो दौड़ रहे हैं पता भी नहीं कि कौन सी
मेरी अपनी इच्छा है, ये मेरी है या किसी और की इच्छा है जो मेरे में इससे प्रभावित हूं, लेकिन उसके पीछे भाग रहा है जीव, भाग रहा है, भाग रहा है। उसे कहा जाता है भूत। विभूति है इससे ऊपर की बात कि जिसने इच्छा को पार कर लिया, जिसने पूरा जान लिया पूरा। मैं तुम्हें क्यों कहता हूं कि जो जीवन हाथ में है, सोमवार हाथ में है, पूर्णता से जीना, अर्थात जहां पर मन का उपयोग करना है, पूरा उपयोग करना है, मन का पूरा उपयोग करना है, जहां पर भाव का उपयोग करना है, प्रेम का उपयोग करना है, पूरा करना है, भाव शरीर को पूरा जानना है, मन को पूरा जानना है, शरीर को पूरा जानना है, समझना है, शरीर का योग्य दिशा में उपयोग। ये तुम्हारी सोच कि किस दिशा में मैं शरीर का पूरा उपयोग करूं, मैं तो देता ही जाऊंगा मार्गदर्शन, लेकिन पूर्णता से जीना, अर्थात शरीर, मन, भाव और आत्मा, इसका पूरा उपयोग जितना हम कर सके, जितना हम कर सके। जो मैं तुम्हें पूछता हूं कि चलो सर्वश्रेष्ठ जीना अर्थात क्या, तुम किसे कहोगे सर्वश्रेष्ठ जीना? आज के दिन को तुम कैसे जियोगे, आज के दिन को तुम कैसे जियोगे? अगर मैं मेरी बात बताऊं, देखो मुझे तुम्हें प्रातः काल में प्रदक्षिणा करवानी थी, मैंने करवाई। मेरा भाव है प्रातः काल में मैं तुम्हें कुछ रहस्यों से परिचित करूं। जो प्रदक्षिणा है, पहले प्रारंभ में ऐसा होता है, मैकेनिकल बात होती है, मैकेनिकल, तुम मेरे साथ घूमते हो, चलते हो, मूर्ति के सामने खड़े रहते हो, श्लोक बोलते हो, पहले मैकेनिकल मशीन जैसे काम होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी समझ जुड़ती है, तुम्हारा भाव जुड़ता है, तुम्हारा अनुभव जुड़ता है, तो धीरे 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 प्रक्रिया गहराई पकड़ती है कि हाँ इस तरह से ये प्रक्रिया है। तो अभी तो मेरा जो भाव है ऐसा है कि तुम मेरे साथ करो, प्रातः काल में प्रदक्षिणा करो, तुम्हें अच्छी लगती हो ना लगती हो फिर भी करो, जानो, तुम कुछ जानो, समझो। प्रदक्षिणा करवाई, मैं तुम्हें मेरी इच्छा बताता हूं आज के दिन मैं किस तरह से सर्वश्रेष्ठ जीऊंगा। दिव्य वाणी, जो अब मेरी इच्छा है, वाणी से मैं कितना सत्य के बारे में आपको बता सकता हूं, इस पृथ्वी पर मैं कितना काम कर सकता हूं धार्मिक क्षेत्र में, जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसकंसेप्ट है मनुष्य के जीवन में, अगर ठीक से समझा जाए तो हर मनुष्य का जीवन बहुत ऊपर उठ सकता है। इस पृथ्वी पर हम सुंदर जीवन प्रकट कर सकते हैं। मेरा भाव, मेरी इच्छा, दिव्यवाणी। दिव्यवाणी के बाद आपको फिर से एक छोटी सी प्रदक्षिणा करवाऊंगा कि जो अवसर हमें मिला ऐसा सबको मिले इस पृथ्वी पर, जिसे इच्छा है ऐसा अवसर मिले प्रकृति में, सब अपने जीवन का रस ले। ये भीतर की भावनाएं हैं, भीतर की। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मेरे साथ एक छोटी सी प्रदक्षिणा करनी है, इसी स्थान की, इसी स्थान की। इसके साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है, जो भी हमने प्राप्त किया, जो भी आपने प्राप्त किया, जितना भी, जितना आपका सामर्थ्य, ज्ञान, समझ, जो कुछ भी प्राप्त किया उसकी शक्ति है। ये शक्ति जिस निवास स्थान में है ठहरे हुए है, वो निवास स्थान दिन प्रतिदिन जागृत होगा, दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि तुम ही दर्शन की शक्ति प्राप्त करोगे इस स्थान पर, ये स्थान भी प्रज्वलित होगा, ये स्थान भी दर्शन की शक्ति प्राप्त करेगा। ये विज्ञान है कि जब हम ये प्रक्रिया पूरी करते हैं, मैं दिव्यवाणी प्रकट कर लेता हूं, तुम सुन लेते हो, फिर हमारा जो स्थान है रहने का उसको हम प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये प्रदक्षिणा का विज्ञान है कि पूरे जगत को हमारे, हमने जो प्राप्त किया, आनंद, प्रसन्नता, ज्ञान मिल जाए और हमारा स्थान भी दिन प्रतिदिन ऊंचाई पकड़ता जाए, प्रज्वलित होता जाए, ताकि और जो चेतनाएं हैं और मनुष्य है, इसको भी मार्गदर्शन की जरूरत है, वो भी यहाँ आए तो दर्शन की शक्ति को प्राप्त करके जाए। दर्शन का विज्ञान, दर्शन का विज्ञान जो जुड़ता है विभूति के साथ। जैसे अभी आप बैठे हो, आप समझ रहे हो, आपको दिखता नहीं, लेकिन आपके साथ कोई ऊर्ध्वगामी फोर्स काम कर रहा है अभी, जो गुरुत्वाकर्षण से आपको ऊपर उठाने की कोशिश में है, ऊपर उठ। ये अपने आप होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे देखो प्रक्रिया कैसी,
जैसे तुम अपने को समझना शुरू करते हो, अपने को समझना शुरू करते हो, इसके साथ तुम्हारा संबंध प्रस्थापित होता है विभूति के साथ। विभूति अर्थात ज्योतिर्मय अवस्था, ज्योतिर्मय अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, शरीर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ऐसी अवस्था है। शरीर होते हुए भी काम किया जा सकता है, शरीर होते हुए, शरीर ना होते हुए भी काम किया जा सकता है। चलो कैसा रहस्य, मानना नहीं, सुन लो, जान लो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में। आज मैं बांसुरी पर प्रकट करूंगा एक रचना, 40 मिनट बांसुरी बजाऊंगा मैं मेरे चिरकुट बालाजी के साथ, उसके तबले और मेरी रचना, लेकिन एक रचना मैं विश्व की तरंगों में प्रकट करूंगा। और मेरा जो भाव है ऐसा भी है कि एक तो मैं आपको उत्सव की समझ देना चाहता हूं, उत्सव धीरे धीरे बताता हूं ये समझ, तुम उत्सव में आखिर करते क्या हो, तुम बताना कि तुम उत्सव में करते क्या हो, सब कुछ देखना है। मैंने एक भी उत्सव छोड़ा नहीं कि मनुष्य जिसे उत्सव कहता है वो क्या है, मैंने जो जाना वो उत्सव क्या है। चलो मैं बताता हूं तुम क्या करोगे, तुम उत्सव नए से नए कपड़े पहनोगे, बाहर जाओगे, खाना खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, इतना कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, सबकी अपनी सोच समझ मर्जी, फिर तुम थोड़ा नाचोगे गाओगे, डीजे पर म्यूजिक बने बजेगा जोरदार म्यूजिक कि हमारे कान सहन नहीं कर सकते, लेकिन ये उत्सव की समझ नहीं है। जैसे जैसे तुम उत्सव की समझ प्राप्त होगी, उत्सव का अर्थ है आपके भीतर जो जरूरत से ज्यादा शक्ति है, जो विचार प्रकट कर रही है, अंत संत विचार, जो दर्शन की क्षमता को रोक रही है, उत्सव का विज्ञान समझना, उस शक्ति को हटा देना, उस शक्ति को हटा देना। 5 मिनट का नृत्य किसी के लिए 5 मिनट का नृत्य जरूरी है, गाना जरूरी है, उसके पास दर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम यहां ये काम करना कि अगर तुम्हें नाचने की इच्छा हो रही है, 5 मिनट नाच लो, 10 मिनट नाच लो, गा लो, बजा लो, जो मैं कहता हूं, अपने लिए गाओ, अपने लिए बजाओ, अपने लिए झूमो, अपने लिए नाचो और परम समृद्ध जीवन प्राप्त करो। मेरा अब मैं तुम्हें बांट रहा हूं, मेरी जो बांसुरी है मैं इस तरह से प्रकट कर रहा हूं, कोई माइक नहीं, ना कोई ऑडियंस है, मैं अपने बिस्तर पर बैठा हूं और मेरे चिरकुट बालाजी फ्लोर पर बैठे, वो तबला बजा रहे, मैं बांसुरी बजा रहा हूं। एक संदेश है मेरा, तुम्हारा जो जीवन है आंतरिक जीवन, इसमें तुम कला को प्रकट करो, कोई देखने वाला हो ना देखने वाला हो, सुनने वाला हो ना सुनने वाला, लेकिन मैं तुम्हें कहूं विभूति तो सुनेगा ही सुनेगा। मैं बताता हूं आगे कि विभूति क्या है, विभूति सुनेगा ही सुनेगा, विभूति देखेगा ही देखेगा, चाहे वो शरीर में हो चाहे ना हो। जैसे कि आज मैं ऐसा कहता हूं कि मैं जो रचना विश्व की तरंगों में जाने दूंगा उसका वीडियो भी, ताकि तुम देख सको मेरा ज्योतिर्मय कमरा, ज्योतिर्मय कक्ष, क्योंकि मैं सबको तो ले जा नहीं सकता, दूर कोई बैठा है उसे अंदर से होता है कि मेरा कमरा कैसा होगा, निवास स्थान कैसा होगा, उसका दर्शन भी हो जाता है, किसी के लिए जरूरी है ये दर्शन, और कोई ऐसा भी देखे कि देखो ये बिस्तर पर बैठे हुए बजा रहे हैं बांसुरी, कोई संगी साथी नहीं, दूसरा फ्लूटिस्ट भी नहीं मेरे साथ के जो मुझे जुगलबंदी करे मेरी, ना कोई और इंस्ट्रूमेंट है, ना तानपुरा है, केवल बांसुरी। आप देखना कृष्ण के चित्र, इसमें कोई साथ में तानपुरा बजाने वाला नहीं है, ना कोई और है कि जो बांसुरी बजाता, अकेले कृष्ण बजा रहे, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, ना कोई केराऊ है मेरे पास, अकेली मेरी बांसुरी, और वो मैं प्रकट करूंगा। और आज का गीत है, आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से घनश्याम, रैना बिस्ताई किस धाम, हाय राम, आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से घनश्याम। पवित्र राग का नाम खमाज, फिल्म का नाम बहुत सुंदर, बुढ़ा मिल गया।
बुढ़ा मिल गया और इसके गायक मन्नाडे, मधुर आवाज अगर आपको सुननी हो इंटरनेट पर अवेलेबल ये रचना, ये गायन, और इसको साथ दे रही है अर्चना, एक आध लाइन गाती है लेकिन उसका नाम भी है मन्नाडे और अर्चना, ये दोनों गायक है, संगीतकार है आर डी बर्मन, शरीर में न रहे। इसके गीतकार है हसरत जयपुरी, शरीर में न रहे। और आर डी बर्मन का संगीत वृंद, जो कोई शरीर में नहीं मैं जानता हूँ, फिर भी ये रचना मेरा प्रेम आदर इन सब के प्रति, धीरे धीरे इसका रहस्य भी खोलता जा रहा हूँ कि इन सब के प्रति मेरा प्रेम और आदर, और आज ये रचना मैं प्रकट करूंगा। मेरे जीवन का उत्सव तो मैं बताता हूँ, देखो ना मैं इसके बाद आपके साथ बात कर लूंगा, फिर मैं ना कोई बात करूंगा किसी के साथ, ना मैं मोबाइल देखूंगा, ना मैं टीवी देखूंगा, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ना मैं कोई किताब पढ़ूंगा, फिर भी मैं ऐसा कहूंगा, ना मैं नृत्य करूंगा अपने कक्ष में बैठा हूं, फिर भी मैं ऐसा कहूंगा कि ये मेरे जीवन का उत्सव है। और शाम को आपके बीच आऊंगा 6:15 बजे, सबको लेकर मैं घुमाने ले जाऊंगा ज्योतिर्मय पथ पर, जिसे मैं कहता हूँ सांध्य स्वास्थ्य महापूजा, जिसमें आपको घुमाऊंगा प्रकृति में, टेकरी चढ़ाऊंगा, उतराऊंगा, सूर्यास्त दिखाऊंगा, वट के पेड़ के नीचे आखिर में बैठेंगे, मैं आप सबके भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको नमस्कार करूंगा, सबके भीतर जो परमात्मा मेरे भीतर बैठा है वही आपके भीतर बैठा है, सबको नमस्कार करूंगा। इसके बाद फिर से मैं मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में जाऊंगा, सांध्य समय का स्नान करूंगा, कुछ आसन ताकि शरीर की शक्ति को बैलेंस किया जाए, कुछ योगासन आकाश के नीचे, और इसके बाद खिचड़ी, मैं उसका प्रचारक हूँ, मॉडल खिचड़ी, कढ़ी, रोटी, छाछ, और फिर निद्रा दर्शन, जिसे कृष्ण कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति। कल भी मैं विभूति योग पर ही बात करूंगा, अभी आप आगे देखना कि आगे क्या बताऊंगा मैं विभूति योग में, इससे आगे क्या बताया जा सकता है विदाउट बुक। आज अगर आपको समय मिले, ऐसा हो तो पूरी रात जग जाना कि मैं क्या बताऊंगा विभूति योग के बारे। अब मैं सबको आमंत्रित करूंगा शांति मंत्र के लिए, हम सब साथ मिलकर प्रकट करें प्रातःकाल का पवित्र मंत्र शांति मंत्र हमारे मुख से। आपकी रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद, जुड़े मेरे साथ। ओ शांति, शांति, शांति। ठीक से दर्शन करें, आपके भीतर आपके अंतर जगत में अनुभव ले शांति का अनुभव। शांति कोई शब्द नहीं, आत्मा का संगीत, अंतर जगत का महासंगीत, असीम असीम। जितना आप अनुभव करते जाओगे आपकी शांति बढ़ती चली जाएगी, विश्वास रखें। दर्शन करें, अनुभूति करें, श्रवण करें, शरीर के तल की शांति, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। भाव मूड के तल की शांति, और दोनों का असर मन, मन के तल की शांति, विचारों का क्षेत्र। सोमवार अर्थात शांति से जीवन जीने का दिन, शांति को समझने का दिन, अशांति से ऊपर उठने का दिन, खोना नहीं है।
ठीक से अनुभूति करे शांति, ठीक से शांति जब भी खोजो अपने भीतर खोजना मिल जाएगी। शांति मंत्र का अर्थ गठन केवल पूर्ण दर्शन करे, श्रवण करे, अनुभूति करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र अनाहत चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन परम शांति की अनुभूति करते रहे, आराम से शांति से आंखों को खोले। मैं आपके समक्ष धारण करे अंजलि मुद्रा, अब आप परिचित हो। जैसे भिक्षा पात्र है हमारे हाथ में, हम परमात्मा से भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति की अनुभूति करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम बांट देंगे पूरा भिक्षा, पूरे विश्व को फैलाए। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु। अब जिसकी क्षमता है साष्टांग दंडवत न चुके, इस प्रक्रिया का और नाम है ब्रह्मार्पण। स्वयं को अर्पण करे ब्रह्म को और सारा बोध जीवन का अर्पण कर दे परमात्मा के चरणों में और परम शांति को प्राप्त करे। अस्तु।